बताओ उससे। मैं जाती है। हाँ। हेलो। हाँ सर, मैं शांति सदन के सामने ही खड़ा हूँ। एक मिनट। हाँ 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 दिख रहे हो, हमारा है अभी। चलो गाड़ी आ गई है। लॉक कर देना ठीक से। सर वो आपका OTP नंबर बोलना। OTP नंबर 54। हाँ सर 5428। हाँ बोलो राजीव। अब आप ये क्या कर रहे हैं? मैंने कभी तुमसे पूछा है कि क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो? बाबा ये सब सही नहीं है। वो सब मुझे भी समझ में आता है, समझे? फोन काटो। बहुत हो गया, हम बर्दाश्त नहीं होता। अरे आप परेशान मत होइए, हम लोग आ रहे हैं जल्दी। तुम लोग क्यों आओगे उतनी दूर से? मैं इस रातिन की लड़ाई से उब चुकी हूँ, किसी दिन कुछ खाओ के सो जाओगे हमेशा के। सारी जिंदगी इसी बात से लड़ाती रहेगी, कुछ खा के सो जाऊंगी, कुछ खा के सो जाऊंगी। 1.5 साल हो गया प्रिया की शादी को, 1 साल इनके रिटायरमेंट को, अब से जब तक बस लड़ाई लड़ाई लड़ाई। इतना कोई लड़ता है किसी से क्या? इनके साथ कहीं जाओ तो बाय चलो बाय चलो बाय चलो। अरे क्यों चले? बाय चलेंगे तो पीछे से आकर कोई टक्कर नहीं मार देगा, दाएं चलेंगे तो कम से कम सामने से आती वाली गाड़ी दिखाई तो देगी ना। मैंने कहां से अनपढ़ मेरे गले पड़ गई? अनपढ़ होके भी दो दो बच्चों को पाल पोस के बड़ा कर दिया, उनकी शादी कर दी, तुमने क्या किया? 8 से 6 की नौकरी और तुम्हारे वो न्यूज़पेपर के अलावा। अच्छा, और जो हर महीने नोटों की गड्डी को थूक लगा के गिनती थी वो कौन लाता था? मुझे कितनी बार मैं बोला ना कि अगर ये एक बार मैं फोन नहीं उठाऊं तो ये बार 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 फोन करने का नहीं। सर का टोकला तब तो काहे को करती है? सॉरी सर।
मतलब आप दोनों अलग होना चाहते हैं? क्यों, इस उम्र में क्यों? इस उम्र का क्या मतलब? नहीं, I'm sorry. मेरा कहने का मतलब ये था कि क्या क्या प्रॉब्लम क्या है? देखिए, मैं जब से रिटायर हूं, जब से रिटायर हुआ है ना, रोज रोज मुझसे लड़ाई करते हैं। इतना तो वो मैना चिड़िया भी नहीं लड़ती होगी जितना ये मुझसे लड़ते हैं। 35 साल तक गवर्नमेंट बैंक में नौकरी की, जब से मैं रिटायर हुआ हूँ तब से मेरी हर दूसरी बात को काट देती, बात बात लड़ाई। पता नहीं ये अनपढ़ गवार, अनपढ़ अनपढ़ अनपढ़, बस इनसे ज्यादा समझदार हूँ मैं। अच्छा, आपने कभी किसी को फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में बिस्किट रखते हुए देखा है? मैं रखती हूँ तो क्या क्या? देखा देखा देखा, अब कुछ दिन पहले एक गाड़ी पीछे से टक्कर मारने वाली थी, एक आदमी ने मुझे बचा लिया। अब वो आदमी तो मेरे लिए भगवान हुआ ना, हुआ कि नहीं? मैंने अपनी जेब में से जितने पैसे थे निकाल कर उसे दे दी। अब इस बात पे 3 दिन की लड़ाई। मैं तभी कहती हूँ दाएं चला करो। और कितने पैसे? 2000 रुपए। अरे अगर उस वक्त मेरे पास 1,00,000 रुपए होते तो भी मैं उसको देता, और तुम्हारी तरह जान नहीं ले रहा मेरी। आज मैं तुम्हारी जान ले रही हूँ। अच्छा, और वो वकील साहब, एक बार ना मैंने छोड़कर चली गई थी, इन्होंने पूरे घर में आग लगा ली और खुद फांसी से लटक गए थे। वो तो भगवान आ गया और पंखा टूट गया वकील साहब, वरना तो पता नहीं क्या हो जाता। चुप रहो, वो सब तुम्हारी वजह से हुआ था। अरे साहब, आदमी मर्द नहीं होता, पैसा मर्द होता है। मेरी सारी कमाई पता नहीं क्या कर दी इसने। ना मैं रह ही नहीं सकती इनके साथ, नहीं रहना है मुझे। अभी कुछ मत करो, मैं आती हूँ। और भैया भी आएगा, पापा से मैं बात करती हूँ, वो मेरे यहाँ आ जाएंगे। और आप भैया के यहाँ चले जाना कुछ दिनों के लिए। ना मुझे अमरीका जाना है और ना मुझे इनके साथ रहना है। तो किसी वृद्धाश्रम में चली जाऊंगी, मुझे बाकी की जिंदगी शांति से गुजारनी है बस। अब दोनों की शादी कैसे हो गई? अरे वो सब हमारे बाबूजी की जोर जबरदस्ती से हुई थी। मैं तो शादी के बाद भी रहना नहीं चाह रहा था इनके साथ। अच्छा, तो तब से चल रहा है ये सब? तभी मैं सोचूं कि शादी के 3 महीने बाद ही मुझे देखने के नहीं आए। कभी जॉइंटिस हो जाता था, कभी मलेरिया हो जाता था। बिल्कुल सही समझ रही हो, वो तो बाबूजी की खौफ की वजह से उस वक्त झेलिया तुमको। सब लोगों ने मिलकर तुम्हें मेरे गले बांध दिया, मैं जाकर भी कुछ नहीं कर पाया। मैं बीकॉम था और ये चौथी फेल, पता नहीं स्कूल में गई थी कि नहीं। बीएम में करके घूम रहे थे इधर उधर, कुछ नहीं था इनके पास। तो वकील साहब जब मैं आई ना तो इनके भाग खुल गए, बैंक में नौकरी लग गई। छोड़ो, वरना तो इतनी गरीबी थी इनके घर में कि जब कोई बीमार होता था ना तब उसे मिलती थी गेहूं की रोटी। गेहूं? हेलो, भर भर के दहेज आया था। क्या कर रहे हैं? मैं समझा के आई थी आपको, उसका कोई फायदा नहीं। पापा इतने साल इनके साथ रहे, आपको पता है कैसी हैं ये, फिर भी आप। देखो बेटा, मैंने लाइफ में यही सब कुछ झेला, समझ गए? हाँ, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मैं थक चुका हूँ। मैं भी अपनी जिंदगी जीने चाहता हूँ, आराम से घूमना चाहता हूँ, खुश रहना चाहता हूँ। हाँ पापा, लेकिन अभी आप। अब मैंने तुम सबके लिए कर लिया जो कुछ करना था, अब तुम लोग खुश रहो और मुझे अपने तरीके से अपनी जिंदगी जीने। हाँ पापा, बस अभी आप कुछ दिनों के लिए यहाँ जाइए। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, तुम खुश रहो, खुश रहो, आबाद रहो, समझे? खुश रहो, आबाद रहो, बाकी सब ठीक है वहाँ पे? सब ठीक है पापा, लेकिन आप अभी कुछ डिसीजन नहीं लीजिए। चलो 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 चलो, बंद करता हूँ। एक बेटा है, एक बेटी है। बेटा अमेरिका में रहता है और बेटी बेंगलोर में रहती है। और प्रॉपर्टी क्या क्या है आप लोगों के? गांव में कुछ जमीन है और यहाँ एक घर है, और इन्हें सब में आधा आधा मिलेगा। तो कौन सा उपकार कर रहे हो मुझ पे? आधा आधा मिलेगा, हक बनता है मेरा। मैं तो पेंशन में से भी आधा लूंगी हर महीने। लो, दूंगा, लेकिन सबसे पहले वो निकालो, वो फिक्स्ड डिपॉजिट। कौन सा फिक्स्ड डिपॉजिट? हाँ? मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, मैं तो घर में सबसे बेवकूफ हूँ। तुम पागल हो गए हो क्या? कौन सा फिक्स डिपॉजिट? एक मिनट, एक मिनट, शांति शांति। आप चुप क्यों हो? बोलो ना, कौन सा फिक्स डिपॉजिट? अरे भाई, जो सालों से पैसे बचा बचा के छुपा छुपा के निकाल निकाल के करवाया हुआ है फिक्स डिपॉजिट कैनरा बैंक में।
अरे सारे से देख के पीछे पीछे घूमती रही, मुझे चोर कह रहे हैं। अब बैठ बैठ इधर बैठे प्लीज। आप अलग हो जाइए दोनों। लेकिन कुछ दिनों तक आप दोनों को साथ रहना पड़ेगा। हे भगवान,